रियल लाइफ लेडी दबंग, ड्रग्स माफिया पर हल्ला बोल करने वाली, मणिपुर का एक मशहूर चेहरा, ये है थौनाजम ब्रिंदा। मणिपुर के ड्रग माफियों के खिलाफ अभियान के लिए चर्चित पूर्व पुलिस अधिकारी थौनाजम ब्रिंदा राजनीतिक मैदान में उतर गई है। अब राज्य को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की अपनी लड़ाई जारी रखने के वास्ते राजनीति में आ रही है। 4 साल पहले ब्रिंदा उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने कई ड्रग कार्टेल का भांडा फोड़ किया था और वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित हुई थी। थौनाजम ब्रिंदा अब इम्फाल पूर्वी जिले के याई सुकूल निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। बता दें कि मणिपुर में 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान होगा। ब्रिंदा ने साल 2021 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल के विशेष न्यायाधीश को मिडिल फिंगर दिखाने के लिए आपराधिक अवमानना मामले का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया कि चुनावी राजनीति में उनके प्रवेश की मुख्य वजह राज्य और उसके युवाओं को भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं के आतंकवाद से मुक्ति की तात्कालिकता है। 2012 बैच की मणिपुर पुलिस सेवा कैडर की अधिकारी का कहना है कि नौकरी के दौरान उन्हें सत्ता में रहने वालों द्वारा लगातार परेशान किया जाता था, जिससे उन्हें अपना काम सही से करने में परेशानी होती थी। ब्रिंदा ने विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार नियम यानी अफ्सपा के प्रति अपना विरोध भी स्पष्ट कर दिया है और इसे निरस्त करने की मांग की है।